अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देखें हमारा चैनल सिंग मशीन डिफरेंट टिक्स बाय हमारा। आज हम वीडियो बना रहे हैं सिंगर 8280 की, जिसमें हम आपको मशीन की रिपेयरिंग, मशीन की सर्विस, मशीन को पूरा बनाने का तरीकाकार, अनफिट करना और फिट करने का पूरा तरीकाकार आपको गाइड करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दें और कोशिश करें वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप पूरी मशीन चलाना सीख सकें। और स्टेप वाइज देखते रहें, ये स्क्रू जो हम खोल रहे हैं, पहले सबसे पहले मत्थे का स्क्रू हम खोल देंगे इसका, और ये मत्था इसका खुल जाएगा यहाँ से। इसके बाद इसका लिफ्टर है ये हम निकाल देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे ऊपर ये स्क्रू होते हैं दो, जो दो बॉडियों को अटैच किए हुए होते हैं, ये दोनों स्क्रू एक एक करके खोलेंगे। पहले ये वाला स्क्रू खोल देंगे हम। इसके बाद ये दूसरा स्क्रू है, ये स्क्रू खोल देंगे हम। पूरी मशीन अनफिट करके और इसके अलावा इसके सर्विसिंग वगैरह पूरी आपको ट्यूटोरियल इसमें हम आपको गाइड करेंगे। ये देखें, ये वाला स्क्रू खुल जाएगा। देखें ये स्क्रू खुल गया। इसके बाद यहाँ पे एक स्क्रू होता है, ये स्क्रू सारे खोलने हैं। अगर कोई एक स्क्रू भी नहीं खुला ना, और उसके बाद अगर आप बॉडी को खींचने की कोशिश करेंगे तो बॉडी जो है उसकी ब्रेक हो जाती है। ये देखें, ये वाला स्क्रू खुल गया, इसका बाहर आ गया। फिर इसका एक ये स्क्रू यहाँ पे होगा, स्क्रू भी हम खोल देंगे। एक स्क्रू यहाँ नीचे होता है जहाँ पे गेयर बॉक्स होता है, इसका गेयर सिस्टम होता है, गरारियाँ जो लगी हुई होती है। यहाँ पे ये स्क्रू होता है जो खुल जाएगा। नीचे जो इसका टाइमिंग वगैरह अलाइनमेंट सेटिंग होती है वो यहाँ से होती है। ये जो पोर्शन खोल रहे हैं हम अभी, खोलने के बाद मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा इंशाल्लाह। देखिए आप, ये वाला स्क्रू एक खोल देंगे हम इधर। आगे भी हम बहुत सारी मशीन्स की जो रिपेयरिंग और सर्विस वगैरह की वीडियोस आपको इसमें दिखाते रहेंगे। तो देखें, ये खुल गया इसका पोर्शन नीचे का सारा दोनों। इसके बाद इसकी ऊपर की बॉडी के लिए देखें, यहाँ पे दो एक स्क्रू होता है, ये इस स्क्रू को हम लूज़ कर देंगे। एक इस तरफ स्क्रू होगा, ये देखें आप, ये वाला इस स्क्रू को भी हम खोल देंगे। फ्रंट की बॉडी के लिए होता है ये, और ये बॉडी इसकी हम बैक साइड वाली बॉडी जो इसकी निकाल देंगे हम बाहर। ये देखें, बैक साइड वाली बॉडी खुल गई इसकी। इसके बाद ये फ्रंट की बॉडी के लिए जो है ना, यहाँ सेंटर में देखें होल से जो है एक स्क्रू आएगा, ये स्क्रू को हम यहाँ से खोल देंगे। देखिए यहाँ पे ये स्क्रू आ गया बाहर। इसके बाद ये इसकी फ्रंट की बॉडी जो है ये खुल जाएगी। देखिए आप, ये इजीली यहाँ से बिल्कुल प्यार से जो ये निकल जाएगी, ये आ गई बाहर। ये मशीन आपकी हो गई पूरी अनफिट। ये अभी इसके जो एलुमिनियम का फ्रेम है जिसमें इसका स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है वो आपको शो हो रहा है सामने। इसकी पूरी सर्विसिंग कर देंगे हम। ये देखिए आप, ये बिलोर मारेंगे हम। बिलोर से जितनी भी डस्ट होगी, जितना भी रुआ होगा, जितना भी बुरादा होगा, सारा इसका निकल जाएगा। ये देखें आप, प्रॉपरली इसको बिलोर मार देंगे। देखें पूरा इस तरफ, और देखें कहाँ कहाँ बिलोर मार रहे, क्योंकि इन जगहों पे कचरे होते हैं। ये देखें, ये इसका ये शटल बॉक्स होता है, ये भी खोल देंगे हम। ये शटल बॉक्स खुल गया इसका। इसके बाद इसका जो ये फुट है, ये फुट भी खोलेंगे हम। ये स्वीप प्लेट खोल रहे हैं पहले, ये क्योंकि दांत ही जो होते हैं, दांतों के अंदर ही बड़ा कचरा होता है, रुआ होता है। ये देखिए, ये खुल गया। ये इसके बाद ये देखिए कचरा आपको बुरा देखे नज़र आ रहा है, ये जमा हुआ होता है ना। तो ये ब्रश से जो है हम सारा निकाल देंगे। अगर आपके पास इस तरह का ब्रश नहीं हो तो किसी भी टूथब्रश वगैरह से भी आप इसको क्लीनिंग कर सकते हैं। इसकी नीडल भी खोल देंगे हम। ये देखें, ये यहाँ पर देखें, ये देखें कितना रुआ जमा है। ये देखें, ये रुआ देखें कितना जमा है। ये देखें, ये रुआ कितना जमा है। इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं हम, और इसके ब्रश मार देंगे, ये सारी साफ़ सफाई बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। देखिए आप, फिर इसमें ब्लोर मार देंगे, जो कचरा जो अभी हमने ब्रश मारा होगा ना, ये कचरा जो निकला होगा सारा उड़ जाएगा, निकल जाएगा इसमें से, ये सारा इसमें से बाहर आ जाएगा। अब इसमें ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग के लिए देखें, यहाँ पर ऑयलिंग जो होगी, यहाँ पर ऑयल होगा। ये देखिए, इसके बाद ये ऑयल यहाँ पर चलेगा, संतरी में, चिमटे में, ये गेयर में, गरारी जो लगी हुई है गरारी में ऑयलिंग होगी। ये इधर ऑयलिंग होगी, इसकी जो कुंडी के लीवर है ये देखें, उधर ऑयलिंग होगी कुंडी के लीवर्स में। ये देखें आप, गज में ऑयलिंग होगी, लिंग के कुंडी का लीवर है, इधर ऑयलिंग होगी। ये देखें, उसके बाद ये नीचे जो है, ये देखें यहाँ पे ये
गियर वाली, ये यहाँ पे इधर ऑयलिंग होगी, इसको मेन शाफ्ट चल रही है ना, ये टाइमिंग वाली शाफ्ट है जो गियर को चलाती है। इधर ये पूरी ऑयलिंग होगी, देखिए इधर ऑयलिंग हो जाएगी, इधर ऑयलिंग हो जाएगी सारी। इसके बाद ये जो हम ये इसका सेलेक्टर चेंज कर रहे हैं ना, यहाँ पे लीवर होता है जो वर्किंग करता है, डिज़ाइन को चेंज करता है। यहाँ अंदर ऑयलिंग करेंगे इसकी पूरी, यहाँ अंदर देखें ये ऑयलिंग हो रही है, ये इधर चेंजिंग वाले इस पे लीवर पे ऑयलिंग कर दी हमने। अब इसको हम फिर वो चला के थोड़ा जो ऑयल इसके अंदर डाला है वो अंदर पहुंच जाए, इसके लिए इसको थोड़ा सा चला लेंगे ताकि जो ऑयल है वो सही से अंदर पहुंच जाए। ये देखें अभी इसकी जो लीवर, ये नॉब्स वगैरह हैं, इनमें जो कचरा बुरा होगा इसको साफ़ कर देंगे किसी भी कपड़े से। आप सर्फ वाले कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं, गीले कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी खुली है तो ये क्लीनिंग वगैरह सही से हो जाएगी। 6 महीने साल में एक बार मशीन को अगर इस तरह से आप सर्विस कर देंगे, घर में खुद भी कर सकते हैं आप हमारी वीडियो देख के, तो आपकी मशीन की जो है वो लाइफ जो है ना वो बढ़ जाएगी। अब इसके जो फिट करने का तरीकाकार है वो भी मैं आपको गाइड करूँगा। ये देखें इसके अंदर जो इसका कवर है, प्लास्टिक का बॉडी है, उसके अंदर भी काफ़ी मट्टी डस्ट वगैरह है, उसको भी हम साफ़ कर देंगे। और ये देखें इसको लगाने के लिए पहले यहाँ ऊपर फंसाएंगे, उसके बाद ये नीचे से यूँ बैठ जाएगा। और एक सिंगल स्क्रू जो हमने सेंटर से खोला था ना, वो आप याद रखिएगा कौन से स्क्रू आप कहाँ से खोलने हैं। वीडियो में तो हमने गाइड किया है, लेकिन ये कि अब आप प्रॉपरली अगर वो स्क्रू को टाइट याद रखेंगे तो वही स्क्रू लगेगा तो बॉडी सही रहेगी, वरना अक्सर ऐसा होता है कि गलत स्क्रू लगाने की वजह से बॉडी स्लिप हो जाती है मशीन की। ये टाइट हो जाएगा, ये टाइट हो गया बिल्कुल बेहतरीन। इसके बाद इसका यहाँ पे एक स्क्रू होगा, ये देखिए इधर ये स्क्रू को भी हम टाइट कर देंगे ताकि फ्रंट की बॉडी जो है इसकी फिक्स हो जाए बिल्कुल बेहतरीन। ये फ्रंट की बॉडी फिक्स हो गई, अब इसमें बैक वाली बॉडी लगानी है। बैक वाली बॉडी जो है वो भी देखें आप, ये ऐसे करके ये आ जाएगी, लग जाएगी। तार को एडजस्ट कर लें क्योंकि अगर तार बीच में फंसेगा तो तार ब्रेक हो जाएगा और फिर मशीन में जो है वो करंट आ जाएगा। देखिए ये फिटिंग हो गई इसकी दोबारा से, कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस तरह खोल के दोबारा से इस तरह फिट कर सकते हैं। और उसको फिटिंग के टाइम पे जो इसके स्क्रू वगैरह हैं वो भी मैं आपको पूरा फिट करने का तरीकाकार गाइड कर रहा हूँ। देखिए पहले ये स्क्रू, दो ऊपर के स्क्रू लगते हैं मोटी चूड़ी वाले, जो प्लास्टिक वाले स्क्रू होते हैं प्लास्टिक में टाइट होते हैं दो स्क्रू। देखिए ये ऊपर वाली बॉडी को टाइट करेंगे, ये मोटी चूड़ी वाले होते हैं, एक इधर टाइट हो गया, एक ये दूसरा जो ये इधर टाइट हो जाएगा, ये हो गया इधर टाइट। फिर ये एक स्क्रू जो है वो इधर लग जाएगा, इधर टाइट हो जाएगा, इसको हम इधर टाइट कर देंगे, टाइट हो गया। फिर एक स्क्रू इधर कॉर्नर पे टाइट होगा, ये वाला स्क्रू, इसको हम जो है यहाँ इधर कॉर्नर पे टाइट करेंगे, ये इधर टाइट हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखें ये स्क्रू है, इसको टाइट कर देंगे ताकि बॉडी फिक्स हो जाए यहाँ से बिल्कुल। अब नीचे की जो हमने खोले थे, एक तो ये छोटा पीस खोला था, ये देखें इसके अंदर भी काफ़ी कचरा वगैरह है, इसको भी हम साफ़ कर देंगे, ये साफ़ हो जाएगा। उसके बाद इसको जो हम ये देखें ये बेहतरीन साफ़ हो जाएगा, ये यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा। अगर इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम भी आप फेस कर रहे हैं मशीन के अंदर तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर वो मशीन हमारे अवेलेबिलिटी में होगी तो हम आपको उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी गाइड कर देंगे। लेकिन ये स्क्रू रखेंगे इधर, इस स्क्रू को हम यहाँ पर टाइट कर देंगे, स्क्रू ये हो गया यहाँ पर टाइट। इसके बाद जो है नीचे का जो ब्लैक पीस है इसको हमने लगाना है इधर, ये देखिए इसमें भी काफ़ी डस्ट वगैरह है, इसको हम यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ये टाइट कर देंगे तो इसकी ग्रिप आ जाएगी और इसमें स्क्रू लगा देंगे। इसके जो स्क्रू हैं देखिए यहाँ पे ये मोटे हेड वाले स्क्रू लगेंगे और यहाँ पे ये एक ये स्क्रू लगेगा इसके यहाँ पे, ये इसमें
रबर फिक्स है, यहाँ पे लगेगा, इससे एडजस्टमेंट होती है, मशीन वाइब्रेट नहीं करती है। और एक यहाँ पे ये स्क्रू लग जाएगा मोटे हेड वाला, एक स्क्रू यहाँ पे टाइट हो जाएगा इसका मोटे हेड वाला। और ये रबर लगा देंगे इधर हम, ये मशीन हमारी प्रॉपरली पूरी फिक्स हो गई। और ये आगे का जो इसका माथा है, ये इसको सही ग्रुप में बिठा के इसका स्क्रू भी हम टाइट कर देंगे। ये टाइट हो गया सही से। अच्छा, इसके बाद ये शटल सिस्टम जो है, शटल रूप जो लगा हुआ था इसका, यहाँ पे इसको लगाने का तरीका मैं आपको गाइड करता हूँ। इसका शटर देखेंगे, इस पर स्वीप प्लेट को हम साफ़ कर देंगे कपड़े से, ताकि जो बुरादा वगैरह निकल जाएगा। ये स्वीप प्लेट फिक्स करने के लिए जो है ये रखी हमने इधर। और इसके जो दो स्क्रू होते हैं, आप कोशिश कीजिएगा जब मशीन खोले तो देखिए स्क्रू को संभाल के रखिएगा, क्योंकि अगर दूसरे कोई स्क्रू लगाएंगे तो वो अक्सर ऐसा होता है जो इनकी चूड़ियाँ बनी हुई होती है, जो इनकी ग्रिप होती है, वो फिर स्लिप हो जाती है ना, फिर परेशानी होती है। ये टाइट हो गया, इधर का एक स्क्रू टाइट हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो हम ये आगे का ये रिवर्स लगाए हुए पुर्जा लगा देंगे। इसके बाद ये सुई को ऊपर करने के बाद जो है ना, ये शटल लगाएंगे इसका हम यहाँ पे, ये शटल लग जाएगा इसका। शटल के आगे जो है इसका रिंग लगेगा, रिंग को साफ करके जो है रिंग लगा देंगे हम इधर, ग्रिप में बैठ जाएगा। उसके बाद जो है हम रिंग को बिठा के सही से इसके जो क्लिप है वो टाइट कर देंगे। और फिर इसमें ऑयलिंग कर देंगे ताकि ये जो है फ्री हो जाए बिल्कुल। यहाँ भी ऑयलिंग होगा, ये भी फ्री हो जाएगा। ये देखें, ये हाथ से घुमा रहे हैं, अगर ये कम स्मूथ लग रहा है तो इसका मतलब ये फ्री हो गया। इसके बाद इसमें ये फुट लगा देंगे हम, इसमें जो फुट लगा हुआ था। और फिर इसमें नीडल लगानी है, इसमें देखें इसको रवा कर दूंगा मैं पहले। ये देखिए, अब ये मशीन बिल्कुल रवा हो गई, स्मूथली चल रही है, डिज़ाइन विज़ाइन चेंज करके भी बेहतरीन चलेगी। अब इसमें निडल लगा के मैं आपको इसकी सिलाई भी चेक कराता हूँ, चाहे मशीन में हमने सर्विसिंग वगैरह की है तो मशीन की सिलाई सही हुई या नहीं। ये देखेंगे अभी इसका टाइमिंग भी बिल्कुल एडजस्ट है। और इसमें जो है अभी धागा वगैरह लगा कर मैं आपको इसका थोड़ा सिलाई का रिजल्ट भी चेक करा देता हूँ, दिखा देता हूँ, ताकि जो है वो आपकी भी तसल्ली हो जाए कि हाँ ये मशीन की सर्विस वगैरह हुई है, अब सिलाई में भी सफाई आ गई है, सिलाई भी बेहतरीन करेगी मशीन। धागा लगेगा इधर, यहाँ से पास होकर धागा यहाँ से जाएगा। 8 to 80 की वैसे हमने ट्यूटोरियल बनाई भी है, लेकिन ये रिपेयरिंग की ट्यूटोरियल ऑन कस्टमर डिमांड हम बना रहे हैं। काफ़ी कस्टमर्स ने भी इसकी डिमांड की और काफ़ी व्यूवर्स ने भी इसकी डिमांड की है। ये इसका सुई में धागा डाल देंगे, सुई में धागा लगेगा, ये व्हील को घुमाएंगे, धागा हमारा ऊपर आ जाएगा, धागा ऊपर आ गया। कपड़े पे आपको इसको चला कर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सिलाई छुटबड़ी करने का ऑप्शन है, सादी सिलाई पे मशीन को रख देंगे। ये देखिए बेहतरीन सिलाई करेगी मशीन, ये देखिए आप सिलाई कर रही है बिल्कुल एक्यूरेट। बड़ी सिलाई करनी है, यहाँ से ये बड़ी सिलाई पे आ जाएगी मशीन हमारी, ये बड़ी सिलाई कर रही है। ये देखिए रिवर्स है, ये भी वर्किंग कर रहा है बिल्कुल, ऑयलिंग होने के बाद सब बेहतरीन हो गया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।